हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मनी मंत्रा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट ऑफ टू ट्रेड फॉर शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म। जो स्टॉक्स हम बताएंगे उनमें पैसा डालोगे तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। मैंने जो वीडियो पास्टली डाले हैं आप उनमें चेक करोगे तो मैंने कुछ ऐसे वीडियो भी डाले जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे, उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ने तो एक वीक के अंदर ही 50% तक के रिटर्न दिए हैं, कुछ स्टॉक्स ने 20 से 30% के रिटर्न दिए हैं। तो स्टॉक्स जो भी हम देते हैं सारे फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं। हर स्टॉक चार्ट बेस पे रहता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर पूरा ध्यान रहते हैं। आज के वीडियो में भी आपको 10 स्टॉक्स मिलेंगे जो कल भी ट्रेड कर सकते हो और इस वीक के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, जो आपको 15 से 30% तक के रिटर्न शॉर्ट टर्म में दे देंगे। इंट्राडे में भी दे सकते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स। आज हम कुछ स्टॉक जो हमने आज ट्रेड किए हैं वो भी स्टॉक्स हमने इसके अंदर रखे हैं। दो ऐसे जैकपॉट स्टॉक हैं हमारे पास इसके अंदर जो आपको 6 महीने से लेके 1 साल 1.5 साल के अंदर पैसा डबल करने वाले हैं। आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टॉक्स आपको मिलेंगे स्विंग ट्रेड करने के लिए, पोजिशनल ट्रेड करने के लिए, शॉर्ट टू मिड टर्म ट्रेड करने के लिए। डेफिनेटली एक पैसा डबल धमाका भी हमारे पास है, तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। इन स्टॉक्स में पैसा डालोगे तो आपका पैसा मुनाफा पक्का है, हमेशा मैं यही बोलता रहता हूँ। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने पैसा बनाया भी है, उनके स्क्रीनशॉट्स आते हैं मेरे पास, शेयर करते हैं लोग कि सर देखो हमने ये स्टॉक किया था, 20% प्रॉफिट हो गया, 30% प्रॉफिट हो गया। तो मैं बोलता हूँ कि दोस्तों टाइम टू टाइम प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, प्रॉफिट को देखते रहने से अच्छा है उसको टाइम टू टाइम बुक करते रहना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस फायदे का सौदा। उससे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि कोई दोस्त हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता हो तो वी आर ओपनिंग फ्री डीमैट अकाउंट विद लोएस्ट ब्रोकरेज। आप मेरे नंबर 8868101888222 पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री डीमैट है और बिल्कुल चीपेस्ट, जो इंडिया के अंदर चीपेस्ट डीमैट ब्रोकरेज है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मनी मंत्रा का वीडियो कंप्लीट देखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए हम सीधा चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर जो हम बात करने वाले हैं। कोटले पाटिल, कोटले पाटिल हमने 2 वीक पहले दिया था स्टॉक के, 2 वीक पहले हमने ये 280 के अराउंड दिया। उस 280 के बाद देखो 2 वीक ग्रीन कैंडल, ओके। अभी इसने 231 का हाई बनाया है। अगर आपने इन्वेस्ट इसमें नहीं किया है तो अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, नया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 300 रुपये का स्टॉप लॉस रखना 220 की जगह। अब टाइम चेंज हो गया है, अब 320 का स्टॉप लॉस रखना है आपने, सॉरी 300 अभी स्टॉप लॉस रखना है 300 रुपये का। और टारगेट हमारे वही है 350, 370, 400 रुपये के टारगेट डेफिनेटली मिलेंगे आपको। नेक्स्ट स्टॉक इज इंडसइंड बैंक। दोस्तों ये स्टॉक अपनी डायरी में नोट करना, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, जब भी डिप का मौका मिले तभी ऐड करना स्टॉक। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, ये वीकली कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट है। देखो यहाँ पे ये इसके रेजिस्टेंस लेके नीचे आता था, अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो इसमें शॉर्ट टर्म में, अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप 2 से 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको 1500 तक के टारगेट मिल जाएंगे। अगर टारगेट आपका थोड़ा सा, अगर व्यू आपका थोड़ा सा बड़ा है, 1 साल तक की सोच रखते हो, 2 साल तक की सोच रखते हो, तो ये वन ऑफ द स्टॉक है जो आपका पैसा यहाँ से डबल करने वाला है। स्टॉक अभी 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये राइट टाइम टू एंट्री है। स्टॉप लॉस इसमें 960 रुपये का रखो। टारगेट आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं 1530 रुपये, 1840 रुपये, 2020 रुपये, पैसा डबल धमाका पहला स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज फिन। बजाज फिन मैंने 2 दिन पहले अपने क्लाइंट्स को दिया था, इसकी हमने कॉल बाई की थी 7600 की 190 रुपये पे। आज वो कॉल 340 रुपये पे बंद हुई है, करीबन 12 से 15 हज़ार रुपये एक लोट पे पैसा बना है हमारा। आज इसने डेली के अंदर देखो, ये आप ध्यान से देखोगे ना कि फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट बन रहा है, ये इसने ब्रेकआउट आज दे दिया है, ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। तो आप इसके अंदर ना 8000 से लेके 8500 तक के टारगेट इसके अंदर बना मिल सकते हैं आपको नियर फ्यूचर में। बहुत ही बढ़िया RSI है, ग्रीन लाइन रेड लाइन के बहुत ही बढ़िया ओवरसोल्ड जोन से गुड जोन के अंदर आ रहा है, बाइंग जोन के अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसके अंदर एंट्री ले सकते हो और पैसा बना सकते हो। कोई ऑप्शन ट्रेड करना चाहता है तो 7700 का कॉल ऑप्शन सितंबर महीने का ले सकता है, ट्रेड कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज PVR। PVR में आप देख रहे हो एक चीज़ कॉमन जो बजाज फिन में भी थी, फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट।
अच्छा है, वीकली कैंडल है, ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1500 के आसपास। इसके अंदर अब पीवीआर के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, आपको 1600 से लेके 1800, ये देखिए यहाँ पे 1588 का लेवल, ये इमीडिएट टारगेट रहेंगे शॉर्ट टर्म में। उसके बाद 1820 एंड ये इसका टॉप 2050, ये आप टारगेट रख सकते हो इसके अंदर, ये टारगेट आप रख सकते हो। ट्रेंड लाइन आपके सामने मार्क कर दिया मैंने, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स मार्क कर दिए हैं, इससे आप सीख भी सकते हो। ये लाइनें आप लगाओ, डाउनफॉल टू डाउनफॉल लाइनें लगाओ, तभी सीखेंगे, तभी लर्निंग आएगी। टारगेट आप अपने बना के रखना इसके अंदर दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक इज इंडियन होटल, मैंने लास्ट वीक में भी दिया था, बताया था कि 160 रुपये के ऊपर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर ही अभी भी ट्रेड कर रहा है 164 रुपये के ऊपर। शॉर्ट टर्म में ये 180, 200, 220 के टारगेट आपको देगा, इसके अंदर बने रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टॉक इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड देखो, एक पिछले कई वीक से बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, अच्छा कंसोलिडेट करके ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पे इसने एक्यूमुलेट किया, ये फ्लैग एंड पोल को ब्रेक किया, यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बन सकता है फ्रेंड्स, या फ्लैग एंड पोल को ब्रेक किया, यहाँ पे एक आप चाहो तो ऐसे पैराबोला भी बन सकता है। ये पैराबोला को यहाँ से लेके इसने पैराबोला का रेजिस्टेंस, पैराबोला के ऊपर स्ट्रेंथ बनाई, फिर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर बढ़ रहा है। अभी स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 208 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 189 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रखिए, 259 के टारगेट हैं, इमीडिएट टारगेट है 259 के शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो आप इसके अंदर 300, 350 का भी आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज गुजरात नर्मदा GNFC। इसके अंदर क्या है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था, ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद ये देखिए आप बढ़िया, ये आप देखेंगे ग्रीन ब्लू लाइन रेड लाइन को टिक करके ऊपर जा रही है, ये आपका RSI अपर है, अच्छा ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद आप पहला टारगेट इसके अंदर 389 रख सकते हो, सेकंड टारगेट इसके अंदर आप 420 रख सकते हो इमीडिएटली, 400 से 420 के टारगेट इसके अंदर शॉर्ट टर्म में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज हिमाद्री स्पेशलिटी HSCL। ये स्टॉक्स मैं बता दूं, मेरे क्लाइंट्स के पास है, मैं खुद इसकी होल्डिंग रखता हूँ। ये स्टॉक्स हमने बाय किया था 50 रुपीज़ के आसपास, 50 रुपीज़ में आसपास बाय किया था, उसके बाद मैंने ये 44 रुपीज़ पे बाय किया हुआ है। करीबन 1000+ स्टॉक्स हैं मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में भी, मोर देन 1000 स्टॉक्स हैं। हमारे इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट है 61, 60, 74, स्टॉप लॉस इसका 47 है, अब की बार 47 अगर से नीचे जाएगा तो हम इसमें कुछ सोचेंगे। अगर लॉन्ग व्यू है, लॉन्ग व्यू के अंदर आप स्टॉप लॉस रखेंगे इसका 41 का। जैसे लॉन्ग व्यू की बात मैं करता हूँ तो कैंडल स्टिक को चेंज करके हम वीकली पे जाएंगे। वीकली पे देखिए क्या दिखता है इसके अंदर, ये 74 शॉर्ट टर्म का टारगेट है। अगर थोड़ा सा बड़ा सोचोगे आप इसके अंदर तो ये देखिए, ये जो है एक टारगेट ये हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है आने वाले टाइम में 108 रुपये, उसके बाद 143, इनके टॉप्स को आप और अच्छे से मिला सकते हो, एंड 176 लॉन्ग टर्म का व्यू है अगर आपका, तो ये स्टॉक आपको यहाँ से पैसा डबल करके देगा। स्टॉक अभी 53 पे ट्रेड कर रहा है, पैसा डबल का पैसा ट्रिपल भी होगा स्टॉक में अंदर, 2 से 3 साल का समय रखिए, ये पैसा डबल धमाका है आज के दिन का। नेक्स्ट स्टॉक इज ONGC। ONGC मैंने पहले भी अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है, हम इसके अंदर पहले से ट्रेड कर रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी दिया था 122 रुपये के आसपास, स्टॉक अभी 135 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप देखोगे कि 13 रुपये का इसमें 10% के प्रॉफिट में हम बैठे हैं अभी। मिड टर्म का टारगेट 190 से 200, 210 रुपये का टारगेट इसके अंदर है हमारा। अगर आप लॉन्ग व्यू रखते हो, लॉन्ग व्यू रखोगे तो आपको बड़े टारगेट मिल जाएंगे, 300 रुपये तक ये जाएगा, टाइम देना पड़ेगा 1 से 2 साल आपका, 2.5 साल इसके अंदर बने रहना पड़ेगा। हाँ 100 रुपये के आसपास आता तो और ऐड कर सकते हो, बहुत ही मजबूत स्टॉक है, बहुत ही मजबूत स्टॉक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों तो आप इसका। नेक्स्ट स्टॉक इज GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी होल्डिंग के अंदर है, ये मेरे मेरे पास भी है, मेरे क्लाइंट्स के पास भी है,
ये ना एक मैं अभी ये जो आपको दिखा रहा हूँ ना, एक शॉर्ट टर्म का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखो शॉर्ट टर्म का व्यू, शॉर्ट टर्म के व्यू में ये पैराबोला सा, छोटा सा पैराबोला बना, इसका ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक अभी 35 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में आप इसका स्टॉप लॉस रखिए 28.50 का। शॉर्ट टर्म में आपको ये 20 से 50% तक के रिटर्न दे देगा। 10 से 20 रुपये, 22 रुपये के टारगेट इधर से आराम से निकल सकते हैं। अगर आपका व्यू लॉन्ग है, थोड़ा सा बड़ा सोचते हो आप, तो देखिए ये स्टॉक आपको यहाँ से 63 क्रॉस करेगा, 99 जाएगा, 99 क्रॉस करेगा तो 120 रुपये तक जाएगा, 120, 125। तो आप ये फोटो लेके रख सकते हो चार्ट के, और मेरे को कमेंट कर सकते हो। जब आप इसके टारगेट 90, 100 रुपये आएंगे तब आप मेरे को इस पे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारे आज के 10 स्टॉक्स थे जिनको हम कुछ को शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे बजाज फिनेंस है, पीवीआर है, इंडसइंड बैंक है। ये लॉन्ग टर्म की पिक है हमारी, करीबन 1 से 2 साल रखेंगे, पैसा डबल होएगा इनमें। आज हमने 3 पैसा डबल स्टॉक्स दिए हैं 10 स्टॉक्स में से दोस्तों। तो उसके बाद मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को, मनी मंत्रा को, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अभी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है आप लोगों से, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले हैं, काफ़ी अच्छे मैसेजेस भी मिले हैं। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे मैसेज कर रहे हैं कि और भी कुछ जानना है, कुछ लर्निंग्स करना चाहते हैं, मिलके सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शोविंग योर लव। थैंक यू।